अगर आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको छोड़ चुका है और आपके माइंड में उसकी इतनी यादें हैं कि आप हर रात सो नहीं पाते क्योंकि हमने अपने पार्टनर के साथ कितने लम्हे साथ गुजारे हैं और अब वो हमें छोड़ गया है, उसके जाते ही उसकी यादें आपको हर दिन परेशान कर देती हैं। ना तो आप किसी दूसरे रिश्ते में मूव ऑन कर सकते हैं, ना ही आपका अपने बिजनेस पर ध्यान है, ना ही आप अपनी जॉब्स पर फोकस कर पा रहे हैं। तो आज आपको मैं ऐसी स्पेल बताऊंगा जो आपको ये सारी यादें रिमूव करने में आपकी मदद करेगी। तो नमस्कार साधकों, मंत्र साधना में आपका स्वागत है। ये स्पेल अक्सर उन लोगों के लिए हैं जिनके पार्टनर उन्हें चीट करके दूर गए हैं, और ये मेल और फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। तो इस स्पेल में आपको दो कैंडल चाहिए, एक वाइट और दूसरी ब्लैक। तो सबसे पहले आप मेडिटेशन या त्राटक करें, उसके बाद ही नाइट में इस क्रिया को करें। आप वाइट कैंडल पर टूथपिक से अपना नाम लिखें और डेट ऑफ बर्थ लिखें। साध को इस क्रिया को बाइंडिंग क्रिया भी कहते हैं। आप टूथपिक ही यूज करें, बहुत से लोग नीडल भी यूज करते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करें। और सेम आप ब्लैक कैंडल पर करें, आप ब्लैक कैंडल पर सेम टूथपिक से अपने पार्टनर का नाम लिखें और फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखें। उसके बाद आप एक वाइट पेपर पर रेड पेन से ये अफर्मेशन लिखें, ऑल माई एक्स लव मेमरी इन माई माइंड इज रिमूविंग एंड आई फॉरगिव एंड सेट माई सेल्फ फ्री। आप इस अफर्मेशन को हिंदी में भी लिख सकते हैं कि मेरे माइंड से वो सभी यादें जो मुझे मेरे बीते अतीत, मेरे बीते प्यार की याद दिलाती हैं, वो सभी धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। उसके बाद आप एक पेपर के ऊपर कैंडल को रखें और कैंडल को एक धागे से आपस में बांध दें। आपको सेम इसी प्रकार से क्रिया करनी है जैसा आपको बताया जा रहा है, और उसके बाद आप कैंडल को जला दें। आप कैंडल के बिल्कुल सामने ही बैठे रहें और सबसे पहले कैंडल की फ्लेम को ध्यान से देखें, फिर उसके बाद आप कैंडल की वैक्स पर ध्यान लगाएं और देखिए जैसे जैसे वैक्स पिघल रही है वैसे वैसे वो सभी यादें जो आपके प्यार की यादें हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, आपके दिमाग पर प्रेशर डाल रही हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। उसके बाद जैसे ही कैंडल से वैक्स पिघलना शुरू हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, ये धागा जो दोनों कैंडल के बीच आपने बांधा है इसे आप कैंची से काट दें। जैसे ही आप धागे को काटेंगे आप देखना आपके अंदर इतनी एनर्जी फील होगी, ये हीलिंग आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी कि उसकी यादें आपके दिमाग में हो चाहे ना हो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता जब हमें कोई छोड़ता है, तो उस सिचुएशन में आप इस रीडिंग को ज़रूर करें। और कई बार हम ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं कि वहाँ से बाहर आने में ही दोनों की भलाई होती है। तो अगर आप भी अपने पास्ट को लेकर चिंतित हैं, परेशान हो रहे हैं, उसकी यादों से बाहर नहीं आ रहे हैं, आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस हीलिंग को ज़रूर अपनाएं। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो अगर आपको कुछ भी समझने में समस्या है तो आप मुझे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क सूत्र आपको स्क्रीन और नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। तो साधको धन्यवाद, राधे राधे।